दर्शकों नमस्कार, मैं रमेश बिजारणिया, हमारे यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों आज मैं धान मूंग मोठ अंकुरित करके कैसे खाने चाहिए और ये स्वास्थ्य के लिए आपके लाभदायक क्यों होते हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दर्शकों आपको क्या करना है, मूंग और मोठ ले ले और सुबह इनको भिगो कर रख दे साफ पानी के अंदर। फिर इनको रात्रि के समय और रात के समय क्या करना है, सूती कपड़ा लेना है, उसको गीला कर ले या उसको बाद में गीला कर सकते हैं, उसको लेकर उसके अंदर ये अंकुरित मूंग मोठ डाल दे और फिर उसको गांठ बांध कर किसी नल के नीचे या किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहां पूरी रात भर वो गीला रहे। उस कपड़े को अच्छी तरह से गीला कर दे, उसके ऊपर फिर पानी को भी छिड़क दे ताकि वो पूरी रात भर गीला रहे। तो पूरी रात भर वो गीला रहने की वजह के कारण ये सारे जो मूंग मोठ होते हैं वो सुबह अंकुरित मिलेंगे आपको, सारे अंकुरित हो जाते हैं दर्शकों। फिर उस कपड़े को आपको क्या करना है, सुबह उठकर उस कपड़े को आराम से खोल लीजिए 7 बजे तक या 6 बजे तक, जैसे ही आपको नाश्ता करना हो सुबह का अंकुरित मूंग मोठ का, तो उस समय उस कपड़े को खोलकर उसमें से अंकुरित मूंग मोठ को अलग कर लीजिए और किसी साफ पानी से इन अंकुरित मूंग मोठ को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। साफ पानी को ले लेना है, फिर 1 या 2 या 3 पानी में से इसको निकाल लेना है ताकि ये अंकुरित मूंग मोठ बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे। फिर दर्शकों जिन भाइयों का हाजमा खराब है, पेट खराब है और जिनका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर है, पाचन शक्ति कमज़ोर है, उनको क्या करना है, या छमक कर भी खा सकते हैं या उनको ऐसे करना है कि गर्म पानी की भाप लगा दे इनको या गर्म पानी के अंदर डाल दे, फिर इनको आप खाएंगे तो आपके पेट को बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। दर्शकों आप इनमें तेल मिर्च ज़्यादा न डालकर हल्दी, धनिया, जीरा, राई, सौंफ, अदरक, थोड़ा सा नींबू या सेंधा नमक, ये सब चीज़ें डालकर आप छमक कर अच्छी तरह खाइए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी और गुणकारी होगा। तो दर्शकों इस तरह से आप मूंग मोठ अंकुरित करके आराम से खा सकते हैं दर्शकों, और अंकुरित मूंग मोठ आपके लिए नेचुरली फाइबर यानी प्राकृतिक फाइबर का काम करेगा, आपके हाजमे को भी सही करेगा। दर्शकों ऐसा नहीं है कि हाजमे को खराब कर देगा, आपके पेट को खराब कर देगा, ये बिल्कुल गलत है। और अंकुरित मूंग मोठ सबसे अच्छा और ताकतवर और बल प्रदान करने वाली चीज होती है। तो दर्शकों आप इस तरीके से खाएंगे तो आपके हाजमा बिल्कुल खराब नहीं होगा, आप छोंक लगाकर भी खा सकते हैं, छमक कर भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दर्शकों, ये आपके लिए बेहद उपयोगी और गुणकारी रहेगा। देखिए दर्शकों जिनको वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, वर्जी ज़्यादा करते हैं, जो जिम जाते हैं, जिनका पूरे दिन कार्य पूरे दिन जो वह हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए मूंग मोठ और अंकुरित चने बेहद उपयोगी होते हैं। वो अंकुरित मूंग मोठ उनको बहुत शक्ति और बल प्रदान करते हैं। दर्शकों आपने देखा होगा कि घोड़े को अंकुरित चने क्यों खिलाए जाते हैं, क्योंकि अंकुरित चना बहुत शक्ति और बल प्रदान करता है। तो आपने कभी देखा होगा पहलवानों को जो वर्जिश करते हैं, जो जिम जाते हैं, वो अंकुरित मूंग मोठ चना क्यों खाते हैं, क्योंकि दर्शकों इसमें अच्छी शक्ति और बल होता है, ये प्राकृतिक शक्ति देता है, ये नेचुरली फूड होता है दर्शकों, इसको स्प्राउट्स बोलते हैं। ये स्प्राउट्स आपके शरीर को बहुत शक्ति और बल प्रदान करता है। तो इस तरीके से आप अंकुरित मूंग मोठ खाकर अपने शरीर को अच्छा कर सकते हैं और अपने शरीर में अच्छी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो दर्शकों कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि अंकुरित मूंग मोठ आपको नुकसान करे, बिल्कुल गलत है दर्शकों। अंकुरित मूंग मोठ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा में इनका बहुत वर्णन मिलता है कि अंकुरित मूंग मोठ आपके लिए अच्छे होते हैं। देखिए दर्शकों ये हम खाते हैं, हमेशा खाते हैं और इनको छोंक लगाकर भी खाते हैं और इनको सेंधा नमक छिड़क लेते हैं फिर भी खाते हैं, गर्म पानी की कभी भाप लगाकर भी खाते हैं। तो इस तरीके से आप खाइए, आपके शरीर के लिए बेहद उपयोगी होगा। और घी में भी छोंक लगा सकते हैं दर्शकों, अगर जिन भाइयों के पास घी है तो घी में छोंक लगा ले, नहीं घी है तो आप थोड़ा सा तेल डाल ले और हल्दी, धना, मिर्च सब चीज़ें डालकर इनको आप खा सकते हैं, आपके शरीर के लिए बेहद उपयोगी होंगे, बेहद गुणकारी होंगे, कोई नुकसान नहीं करेगा दर्शकों।
आपके पेट के लिए बेहद अच्छा होता है अंकुरित मूंग मोठ। तो दर्शकों, सर्दियों में भी आप थोड़ा सा चना मिलाकर भी खा सकते हैं, 4-5 चने मिला लीजिए अगर आपका हाजमा सही नहीं है, और मूंग मोठ को मिला लीजिए, फिर इनको अंकुरित करके खाइए, आपके शरीर को बहुत अच्छा बल और शक्ति प्रदान करेंगे। तो दर्शकों, तो मेरा ये इस वीडियो में समझाने का मकसद था कि अंकुरित मूंग मोठ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। और जिन भाइयों को ये डर रहता है कि यार कहीं हाजमा खराब नहीं हो जाएगा, कहीं पाचन शक्ति खराब नहीं हो जाएगी, तो आप इस तरह के से आप खा लीजिए तो आपका बिल्कुल हाजमा खराब नहीं होगा, बिल्कुल पेट खराब नहीं होगा। तो धन्यवाद दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।